डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अगेन एक टॉपिक जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए, वो सारी चीज बताने वाला हूँ। कुछ वीडियोज मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखे तो वो देखना, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। आज दोस्तों डी फार्म पार्ट सेकंड की बात करेंगे। डी फार्म पार्ट सेकंड में एक हमारे टॉपिक है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स में देखिएगा, जब भी अपन सल्फोनामाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ड्रग्स के नाम याद जरूर करने हैं। जैसा पहला है सल्फाडायाजीन, दूसरा है आपका सल्फाग्वेनिडीन, तीसरा है यहाँ पे थैलाइल सल्फा मेथाजोल, चौथा है यहाँ पे सक्सिनाइल सल्फा थायाजोल, पांचवा है यहाँ पे सल्फा डायामेथॉक्सीन, और छठा है यहाँ पे सल्फा मेथॉक्सी पाइरिडीन जीन, सातवां है यहाँ पे दोस्तों सल्फा मेथॉक्साजोल, आठवां है यहाँ पे सल्फा सिटामाइड। ओके, और ये को ट्राइमोक्साजोल एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आता है, किसका? सल्फोनामाइड्स का। तो अपन वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर कैसे करना, क्वेश्चन कैसा आता वो बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सिंपल सा आता है, या दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसका एक ही आंसर है, कैसे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस अबाउट सल्फोनामाइड। ओके, या यूं कहूंगा इसका दूसरा फॉर्म एग्जामिनर क्या लिख सकता है, राइट शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन सल्फोनामाइड। ओके, या दूसरे तरीके से एग्जाम क्वेश्चन क्या लिख सकता है एग्जामिनर, देखिएगा, दूसरे तरीके से डिफाइन एंड क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ सल्फोनामाइड्स। ओके, तो इस तरह से तीन क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, तीनों का आंसर आपको एक ही लिखना है। ये क्वेश्चन आपको पांच से लेके आठ नंबर तक का मिलेगा। अब आपको ही डिसाइड करना है कि कितना आपको लिखना है। मैं आपको आठ नंबर के हिसाब से बता रहा हूं और आपको इस तरह से समझना है, किस तरह से देखिएगा इसका आंसर। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि हम सल्फोनामाइड किसको बोलते हैं, सल्फोनामाइड किसको बोलते हैं, इनका आप डेफिनेशन लिखेंगे। सल्फोनामाइड की डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा सा फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो वो थोड़ा सा बना देना, कैसा, यदि बेंजीन के ऊपर SO2NH2 रहेगा और इधर NH2 रहेगा, ये जनरल स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड की। ओके, यहाँ पे आप R लगा सकते हो तो ये सल्फोनामाइड की एक जनरल स्ट्रक्चर हो जाती है। जो कंपाउंड इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए होता है हम उसको सल्फोनामाइड बोलते हैं। और यहाँ पे उसके बाद में आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, इसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में समझना, क्लासिफिकेशन में आपको ये ड्रग्स का नाम जरूर लिखना है। इसमें क्लासिफिकेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। ओके, उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए भी मैंने एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से बताया हुआ है कि बैक्टीरिया को सल्फोनामाइड कैसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, कैसे उसको मारता है, वो आपको एक फ्लो डायग्राम में बताया। कोई सा भी सल्फोनामाइड मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और उसको देखना, सिंपल सा एक फ्लो डायग्राम बनाना है। और कोई जितने भी सल्फोनामाइड है सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है, तो वो चीज आप लिख दोगे 100% पूरे नंबर मिल जाएंगे। लास्ट में इसके यूजेज हो जाएंगे
कि जनरली इसका यूजेज क्या होता है सल्फोनामाइड का, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताया, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन, यूजेज, यही चीज लिखनी है आपको। चारों पॉइंट आपको इसी लिखना है, यदि शॉर्ट नोट आता है तो भी आपको इसी पॉइंट्स में लिखना है। सल्फोनामाइड्स के बारे में शॉर्ट नोट आता है या डिस्कस अबाउट सल्फोनामाइड, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं दोस्तों यहां पे। अब यदि 5 नंबर का हो, 8 नंबर का होता है तो डिटेल में जाना है, 5 नंबर का होता है तो आपको मैकेनिज्म एक्शन थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं ये, और उसका क्लासिफिकेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहां पे अब बात आती है इनके अलावा, यहां पे दोस्तों क्या रहता है देखिएगा, यहां पे दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां पे कोट्राइमोक्साजोल पे, कोट्राइमोक्साजोल, तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, राइट शॉर्ट नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल। ओके, कोट्राइमोक्साजोल में ध्यान देना, ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। कोट्राइमोक्साजोल होता क्या है, कोट्राइमोक्साजोल आपको डिटेल में जाना है, किस तरह से समझना है देखिएगा। यहां पे इसका पहला तो आंसर आपको कैसे लिखना है, क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट, ये क्या होता है, तो ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, वो पर्टिकुलर रेशियो क्या होता है, को पहला ड्रग कौन सा होता है, दूसरा ड्रग कौन सा होता है और उनका रेशियो क्या होता है, ये डिटेल मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका डिटेल आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद में पहला तो ये हो गया, दूसरा इसका क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, लगभग सल्फोनामाइड वाला ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो ही लगभग फ्लो डायग्राम होता है। इसके लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, आपको पूरा का पूरा कोट्राइमोक्साजोल के बारे में मिल जाएगा और समझना, वैसा का वैसा ही लिख देना, आपको आंसर पूरा हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट इसका रहता है कौन सा दोस्तों, यूजेज का, यूजेज क्या होता है, मतलब कोट्राइमोक्साजोल आपको यूज कहां करना है, वो यूजेज के पॉइंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। यदि ज्यादा नंबर का 8 नंबर का सवाल होता है तो आपको एक्सप्लेन करना है, 5 नंबर का होता है तो यूजेज में सिर्फ नाम लिख देना आपको सफिशिएंट रहेगा। इस तरह से कोट्राइमोक्साजोल के बारे में पूरा का पूरा आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। कोट्राइमोक्साजोल को जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट्राइमोक्साजोल को जरूर याद कर लेना। ओके, इसके साथ में ही दो ड्रग और है, सल्फाग्वेनिडीन और सल्फासिटामाइड। सल्फाग्वेनिडीन कौन सा वाला, ये वाला ड्रग है सल्फाग्वेनिडीन आपको, और सल्फासिटामाइड एक ये वाला ड्रग है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों इन दोनों ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर याद करना है और उसका आईयूपीएसी नाम याद करना है। तो कौन कौन सा हो गया, सल्फाग्वेनिडीन एंड सल्फासिटामाइड। तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, यहां पे आपकी जितनी ये पूरी केमिस्ट्री है, इस पूरी केमिस्ट्री में जितने भी आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं उसको मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, दो वीडियो बनाए हुए हैं, इन दोनों वीडियोज को आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हर ड्रग का स्ट्रक्चर आपको कैसे याद करना है, मैंने लिंक करके बताया हुआ है, उसका क्वेश्चन छोटा सा बना के, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया मैंने उसका, और उसको फिर आपको कैसे याद करना है वो भी बताया है। वो सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो देखना। यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको दो ही ड्रग का स्ट्रक्चर याद करना है, उसका आईयूपीएसी नाम याद करना है, किस तरह से लिखते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन में ओवरऑल क्या कौन से क्वेश्चन बनता है सल्फोनामाइड में, एक तो इसका जनरल जो स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें क्या होता है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म और यूजेज, ये लिखना है। और दूसरा आता है कोट्राइमोक्साजोल, दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दो ही जो सल्फाग्वेनिडीन एंड सल्फासिटामाइड, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको जरूर याद करने हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे मैं जरूर बोलूंगा, आपको आइडिया मिल गया होगा। और यहां पे यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में लगातार आपके लिए
रोजाना एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।